हरे कृष्णा। कोई भी सोफिस्टिकेटेड मशीन अपने आप नहीं चल सकती, उस सोफिस्टिकेटेड मशीन को चलाने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए। ऑपरेटर जब तक पुश बटन या कोई बटन नहीं प्रेस करता है, तब तक वो मशीन अपने आप काम नहीं कर सकती। इसी तरह से ये जो पूरा यूनिवर्स है, एक बड़ी कॉस्मिक मशीन है, इसको मोशन में चलाने के लिए, इसको जो ये मोशन में सेट हो रखा है, इसके पीछे इसका ऑपरेटर है। और हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ऑपरेटर में, जिसने ये मशीन, जो ये मशीन चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लेन की एग्जाम्पल लें, प्लेन एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, अगर वो आसमान में उड़ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने आप चल रही है। उसमें एक इंटेलिजेंट पर्सन बैठा है, पायलट, जो उस प्लेन को डायरेक्शंस दे रहा है, और उसके डायरेक्शंस के अंडर ही वो प्लेन उड़ रहा है। उसी तरह से ये पूरी कॉस्मिक मशीन भी किसी की डायरेक्शंस में ही चल रही है। अगर प्लेन का पायलट मर जाए तो क्या वो प्लेन उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता, वो क्रैश हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन में क्या हुआ? पायलट। और पायलट में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो पायलट के अंदर लिविंग फोर्स, जो इंटेलिजेंट फोर्स है उसके अंदर, जो जिसको पता है कि कैसे प्लेन को डायरेक्ट करना है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो इस यूनिवर्स को चलाने के पीछे भी लिविंग फोर्स है। जो चीज क्रिएट होती है उसके पीछे क्रिएटर होता है, तो इस यूनिवर्स के पीछे भी क्रिएटर है, भगवान कृष्ण, और इसको चलाने वाले भी भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण भगवदगीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवा, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ चल रहा है। जिस प्रकार एक ट्रेन में जो इंजीनियर बैठा है, जहां जो ट्रेन का इंजन में जो ड्राइवर बैठा है, भगवान उसी की तरह है। जैसे इंजन को पुश दिया जाता है और बाकी डब्बे धीरे धीरे पुश लेते हुए एक बाय एक चलने शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान ने इस संसार को बनाया। जो इस यूनिवर्स के पीछे लिविंग फोर्स है वो भगवान कृष्ण है, और उन्होंने इनिशियल पुश दिया और बाकी चीजें उनके डायरेक्शन के अंडर चलने लग पड़ी। तो जो भगवान है वो रिमोट कॉज है, कृष्णा इज रिमोट कॉज, और उसके बाद कई सारे इमीडिएट कॉजेस आ जाते हैं। तो साइंस जो है उसको तो रिमोट कॉज के बारे में नहीं मालूम है, साइंस को सिर्फ इमीडिएट कॉजेस के बारे में मालूम है। इसलिए साइंस ये क्वेश्चन को डील ही नहीं करती, साइंस को ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि भाई जो लिविंग फोर्स है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, या लिविंग फोर्स है पीछे मशीन के या नहीं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिविंग फोर्स और डेड, या लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या डिफरेंस है, वो साइंस ने छोड़ ही दिया। जब साइंटिस्ट से पूछो कि ये सब कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो वो कहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली चल रहा है या नेचर से चल रहा है। तो जब हम नेचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं हूज नेचर, किसकी नेचर? ए मैन्स नेचर फॉर एग्जाम्पल। तो भगवान भगवदगीता में बता रहे हैं कि ये नेचर भगवान की है और भगवान के सुपरविजन में काम कर रही है। भगवान भगवदगीता के 9वें अध्याय में बता रहे हैं, मैं अध्यक्षेन प्रकृति सुएते स चर अचरम, कि मेरे अध्यक्षता में ही सब कुछ चलायमान है। तो साइंस ने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको इग्नोर ही कर दिया। साइंस के अनुसार लाइफ केमिकल से आई है, लाइफ का ओरिजिन केमिकल से हुआ है। साइंस के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स, फ्री विल, ये सब केमिकल्स ही हैं। लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर लाइफ केमिकल से आई है तो एक डेड बॉडी में वो सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें क्या चीज चली गई जिसके कारण वो डेड बॉडी हो गई है? वो सोल है जो चलेगी, जिसके बारे में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता है। और अगर लाइफ केमिकल से आई है तो डेड बॉडी में केमिकल्स इंजेक्ट करके उसको साइंस जीवन दे सकती है। और जो इतने साइंटिस्ट हमारे महान चले गए लाइक आइंस्टाइन, न्यूटन, उनको इंजेक्शन देके उसी टाइम केमिकल्स का जीवित पुनर्जीवन दिया जा सकता था, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात कि केमिकल से अगर लाइफ आई है तो केमिकल से लाइफ की जो ओरिजिन है उसको साइंस अपनी लेबोरेटरी में प्रूफ करके दिखाए। लेकिन ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है कि लाइफ जो है वो केमिकल से लेबोरेटरी में बना के दिखाई गई हो। बड़ी बड़ी लाइफ फॉर्म्स की बात तो छोड़िए, कोई मॉस्किटो ही बना के दिखा दें लेबोरेटरी में, कोई बटरफ्लाई बना के दिखा दें, या फिर
रोज फ्लावर बना के दिखा दें या ये भी छोड़ी कोई ग्रास ही बना के दिखा दें? इम्पॉसिबल, ये नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन फिर भी ये थ्योरी चल रही है कि लाइफ केमिकल्स ओरिजिनेट हुई है और टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जा रही है। कितनी बड़ी चीटिंग चल रही है, कितनी बड़ी बेवकूफी चल रही है विश्व में। और तीसरी बात, अगर लाइफ केमिकल से ओरिजिनेट हुई है, केमिकल से आई है, तो केमिकल्स कहां से आ रहे हैं? अगर आप देखें कि जो ओशन है, लाइक पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, उनमें इतना पानी है, उसमें यानी कि पानी यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इतने सारे एटम्स की सप्लाई किसने की? सन में जो फिशन फ्यूजन हो रहा है उसमें हाइड्रोजन एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो किसने सप्लाई किए? और वो मिलियन ऑफ ईयर से उसमें ये फिशन फ्यूजन चलता जा रहा है, तो कौन सप्लाई कर रहा है इतनी देर से इतने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के? वो खत्म क्यों नहीं हो रहे, वो सप्लाई एंड क्यों नहीं हो रही? अगर हम ध्यान से सोचें तो केमिकल्स लाइफ से आ रहे हैं, इसके विपरीत है, लाइफ केमिकल्स से नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेमन ट्री को ले लें, तो ट्री एक लिविंग फोर्स है, उसमें सोल है, तो ट्री से लेमन फ्रूट्स आते हैं, तो लेमन में हमें पता है सिट्रिक एसिड रहता है, तो वो केमिकल्स कहां से आए या लेमन कहां से आए? ट्री से, लिविंग फोर्स से। एक डेड ट्री लेमन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक लिविंग बॉडी परस्पिरेशन करती है, हमें पसीना आता है, लेकिन एक डेड बॉडी की कभी परस्पायर करेगी? परस्पिरेशन में भी केमिकल्स होते हैं, सॉल्ट होता है फॉर एग्जाम्पल। तो लिविंग फोर्स से केमिकल्स आते हैं, ना कि केमिकल्स से लिविंग फोर्स आती है। और लाइफ से ही लाइफ आती है, केमिकल से कभी लाइफ नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर ही एक चाइल्ड को बिगेट कर सकता है, या एक फादर ही बच्चा उत्पन्न कर सकता है। तो फादर लिविंग है और बच्चा भी लिविंग है। अगर लाइफ केमिकल से आती तो मैरिज करने की जरूरत ही नहीं है, केमिकल से ही बच्चे उत्पन्न हो जाने चाहिए। हस्बैंड वाइफ केमिकल्स लेके आए और कुछ उसमें रिएक्शंस करें और बच्चा पैदा कर दें, लिविंग फोर्स की तो जरूरत ही नहीं है। मैटर में अपनी क्रिएटिव पावर कुछ नहीं है, मैटर अपने आप क्रिएट नहीं कर सकता कुछ भी, या केमिकल्स अपने आप क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं लेबोरेटरी में एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग जगह पर रख दूं, तो वो 100 साल भी अलग अलग जगह पर पड़े रह सकते हैं, वो अपने आप मिक्स होकर वाटर नहीं बनाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए एक लिविंग फोर्स की जरूरत है, एक साइंटिस्ट की जरूरत है जो उन दोनों को मिक्स करके वाटर फॉर्म करे। तो अगर ये छोटी सी एग्जांपल में एक डायरेक्शन चाहिए, एक सुपरविजन चाहिए और एक इंटेलिजेंट ब्रेन चाहिए, तो क्या इस पूरी यूनिवर्स कॉस्मिक मशीन के पीछे क्या कोई ब्रेन की जरूरत नहीं है? क्या सब कुछ अपने आप ही चल रहा है? क्या इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है? अगर लेबोरेटरी में पड़े हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए इंटेलिजेंट ब्रेन चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, तो जो पैसिफिक अटलांटिक ओशन में वाटर है इतना, वो उसमें इतने सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं, उनको मिक्स करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए थी, क्या वो अपने आप ही मिक्स होके वाटर बन गए? तो ये किस तरह की साइंस है जो हमें स्कूल्स, एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है? ये चीटिंग साइंस है जो पढ़ाई जा रही है। और इस तरह की चीटिंग एजुकेशन सिस्टम से, जिसमें गॉड को पिक्चर से निकाल दिया गया हो, या जो जिसमें यूनिवर्स के पीछे जो लिविंग फोर्स है यानी भगवान कृष्ण, उनको पिक्चर से हटा दिया गया हो, ऐसी एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड का विनाश ही लेके आ सकती है, पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट किसी भी प्रकार का नहीं दे सकती, ना ही पूरे वर्ल्ड में कोई पीस एस्टेब्लिश हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।